Hello students, today I am with new topic of civics book. The topic is the Constitution of India. This is first chapter of our civics book. The name of this chapter is the Constitution of India. So first of all, I want to tell you the definition of Constitution. What is Constitution? Constitution kya hai? A simple definition is, it is set of rules and laws by which a country is run. Ye rules aur kanunon ka ek group hai, samuh hai, jiske aadhar par koi country run karti hai. Ya aap bhi keh sakte hain, in Constitution, everything is mentioned how the government work, then how the judiciary will work. So there are functions written there, and rules and regulations also mentioned there. So types of Constitution. सेकेंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे पास कितने टाइप कॉन्स्टिट्यूशन का? दिस इज टू टाइप. वन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अनरिटन जो लिखा नहीं है. एग्जांपल इज ब्रिटेन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन इज नॉट रिटन. एंड द सेकेंड वन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. एग्जाम्पल इज अमेरिका एंड इंडिया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अमेरिका इज रिटन. After that, we will discuss the main features of Indian Constitution. So, Indian Constitution ke main features kya hai? Actually, for making the Indian Constitution, we take the help of more than 6 countries' constitution. Yani ki India ke constitution ko banane ke liye humne 6 से ज्यादा कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की है. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 years 11 months and 18 days लगे. यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ. इसीलिए से संसार का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. रीजन क्योंकि किसी में हर कंट्री से फ्रॉम एवरी कंट्री वी हैव टेकन द बेस्ट एंड इंक्लूडेड इट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो फर्स्ट फीचर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन. देन सेकेंड इज फेडरलिज्म. इन आवर कंट्री या अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आवर गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. इन सेंट्रल लेवल वी हैव डिफरेंट गवर्नमेंट. इन स्टेट लेवल वी हैव डिफरेंट गवर्नमेंट. इन लोकल लेवल वी हैव पंचायत राज. सो वी हैव 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट. एंड थर्ड वन इज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल. आवर कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिजिड कठोर एंड फ्लेक्सिबल. और लचीला भी. कठोर के साथ साथ लचीला. कठोर मीन्स वी कैन नॉट मेक एनी चेंज इजिली. इफ एंड फ्लेक्सिबल मीन्स इफ यू वॉन्ट टू डू एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इफ यू वॉन्ट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यू रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी इन लोकसभा. क्लियर. तो फोर्थ feature is division of power. In our constitution, the power is divided into 3 organs. One is a legislature. Legislature. Second one is executive. And third one is judiciary. So what is the work of legislature? The legislature form the laws for the country. लेजिस्लेचर का काम है कंट्री के लिए लॉ बनाना.
एग्जीक्यूटिव, द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव इज टू इम्प्लीमेंट, टू एग्जीक्यूट द लॉज, उन लॉज को जो पार्लियामेंट से पास हो गए उनको इम्प्लीमेंट करना, एंड द जुडिशरी चेक वेदर द लॉ इज सूटिंग द पीपल या सुटेबल फॉर पीपल और नॉट। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द मीनिंग ऑफ दैट, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स वी हैव प्रेसिडेंट एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, ही इज नॉमिनल हेड। किताबी तौर पर हम कह देंगे राष्ट्रपति हमारे देश का सुप्रीम है, बट इन एक्चुअल इन रियल द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल वन, ही इज द हेड ऑफ द कंट्री। रीजन बिकॉज ही एंड हिज मिनिस्टर्स इलेक्टेड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल थ्रू द इलेक्शंस। देन सिक्स्थ पॉइंट इज फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। So in our constitution, people have also rights. Rights, how many rights? 6 rights. Duty, how many duty? 10 duty. So in our constitution, we have 6 rights. Right to equality, right to freedom, right to religious freedom, and right against the exploitation, constitutional remedies, asset, and educational and cultural right. So these are the 6 rights we have, and along with these rights we have duties, right to equality, we have right to freedom, we have right to religious freedom, we have right against the exploitation, we have and constitutional remedies. Constitutional remedy means we can make the amendment in the constitution if we find any difficulty here. And the 6th one is educational and cultural rights. So, along with rights, we have duties. Then secularism. Our country is a secular country. Here, every religion has, religious people have equal rights. He can practice his religion-related things openly. Nobody can interfere. We cannot say that India is the Indian religion is Hindu. Hinduism is the religion of India. So, secularism means every religious people have right to follow its religious practices. Clear? So, thank you. Tomorrow, I will, in my next lecture, tell you detail about the Indian constitution.